हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो मेरे यहाँ तो शाम हो रही है और आपको गुड मॉर्निंग, क्योंकि व्लॉग मैं सुबह डालती हूँ। ये मेरी बेटी जरूर आती है व्लॉग में। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इजी स्पेशल डिश मैं बताऊंगी, जो खाने में भी काफी अच्छी लगती है और शाम को आप बना सकते हैं या दिन में भी बना सकते हैं, जब आपका मन सूखी सब्जी खाने का ना हो। तो दो चीजों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी और आप देखना कि कितनी अच्छी और जबरदस्त सब्जी बनेगी, तरी वाली। तो आप सूखी सब्जी खाने का मन ना हो और जल्दी बनाना हो, इजी बनाना हो, तो आप इन दो चीजों को मिला के ही सब्जी को तैयार कर सकते हैं। और रेसिपी का नाम तो आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और ज्यादा भी टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 5 मिनट की, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, बोर हो जाओगे। 1 से 2 मिनट में आपको बता दूंगी कि क्या चीज डाल के वो सब्जी कैसे बन रही है और क्या है और कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। तो सिर्फ दो चीजें मैंने ली हैं, एक लिया है पालक और लिया है चने की दाल। बच्चे कितने चिल्लाते हैं मेरे, तो ये पीछे से आवाज आने लगी बच्चों के चिल्लाने की ना। तो पालक और चने की दाल मिला के मैं आज बनाऊंगी एक टेस्टी जबरदस्त जबरदस्त दाल, कह लीजिए पालक चने की दाल को मिक्स करके देखिए क्या चीज बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पालक मैंने धो ली है और चने की दाल को वॉश करूंगी और आगे चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने सभी चीजें मिक्स कर ली है। एक कटोरी चने की दाल है, आधा किलो है पालक, एक प्याज है और एक ही टमाटर, दो हरी मिर्च, हल्दी, मिर्च, नमक भी मैं इसी में मिक्स कर लूंगी और इसमें इन सभी को मिक्स करके ही ये बन जाएगी दाल हमारी पालक चने की। तो सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली है। तो इसी में मैं नमक ऐड कर लेती हूँ अपने हिसाब से, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। पालक में नमक जो है वो पहले से ही थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा कम डालिएगा अपनी हिसाब से। और इसी में मैं डालूंगी 1 चम्मच धनिया, हल्दी भी आप अपने हिसाब से, मैं तो आधा चम्मच ले रही हूँ, इसमें काफी रहेगी। और क्योंकि मेरी मिर्च तेज है तो मैं थोड़ी ही डालूंगी, आप अपने हिसाब से मिर्ची, नमक, हल्दी, मिर्च, नमक डाल सकते हैं। और इसमें मेरी जो बची हुई पालक है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ और इन हरी मिर्च को हम बारीक काट लेंगे। एक और चीज, ये अदरक मैंने इसमें घिस लिया है, जिसमें ये पिलर होता है ना, इससे घिसा है मैंने अदरक को। और ये लहसुन, अगर बच्चे क्योंकि शौक में पसंद नहीं करते तो इसमें आप इसको ऐसे साबुत डाल सकते हैं, तो काफी अच्छा टेस्ट आता है इनका। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ के साथ इसमें आप 2 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए और बस कर दीजिए कुकर का ढक्कन बंद, क्योंकि चने की दाल है तो थोड़ी सीटी ज्यादा लगती है उसमें। मैं तो इसमें 6 से 7 सीटी लगाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी सीटी आ जाती है प्रेस्टीज के कुकर में। तो बस ढक्कन बंद कीजिए और दाल रेडी हो जाएगी आपकी थोड़ी देर में। तो कुकर का ढक्कन बंद करते ही नहीं रेडी होगी, इंडक्शन पे रखना भी पड़ेगा। इंडक्शन मैंने ऑन कर लिया है, हाई मतलब कि हॉट, बिल्कुल हॉट पॉट पे मैंने ऑन किया है और ये थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। और मैं इसके साथ बनाऊंगी थोड़े से चावल और रोटी। तो आज का डिनर हमारा आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी बना लेती हूँ। इंडक्शन पे तो ये रखा है, एक पे रखूंगी चावल और एक पे बना दूंगी रोटी। और जिनको गरम खानी पसंद है उनके लिए गरम बना देती हूँ, और मैं तो ठंडी ही खा लेती हूँ, मुझे आदत है शुरू से, तो मैं अपनी बना के रख दूंगी। क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं ना, तो 7 बजे तक खाना रेडी हो जाएगा, आधा घंटा नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर, 45 मिनट्स लगा लो। तो आज की मैं अभी बना के दिखाती हूँ कैसी बनी है, आप जरूर बताइएगा मुझे, आप जब ट्राई करेंगे कि आपके यहाँ कैसी बनी है, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजे। और कोई डिश आपको चाहिए, वैसे मेरा किचन का व्लॉग नहीं है, मैं तो बस मैं डेली लाइफ जो है अपनी और डेली जो जो भी चीजें करती हूँ वो शेयर करती हूँ। तो मेरा किचन से रिलेटेड तो चैनल ऐसा कुछ है नहीं कि मैं रेसिपी बनाऊं, बस एक दो रेसिपी है जो घर में मैं ट्राई करती हूँ और अच्छी बनती है तो सोचती हूँ आपके साथ शेयर कर दूं।
तो मुझे लगा कि अगर किसी का सूखी सब्जी खाने का मन ना हो तो वो ये इस तरीके की सब्जी भी बना के ना कॉम्बिनेशन बना के भी आप खा सकते हो, काफी अच्छा हट गया तो काफी अच्छा लगेगा आपको। तो बस बन जाएगी थोड़ी देर में, जब तक चावल और रोटी की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो ये बन के रेडी हो गई है, अब इसमें परछों ये बन के रेडी हो गई है अब, और इसमें जैसे दाल में आप छौंक लगाते हैं वैसे लगा दीजिए, तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा इसको।